टेलीस्कोप्स इन स्पेस। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने को आया, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेलीस्कोप्स को स्पेस में क्यों भेजा गया और एक ऐसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जो इंडिया के लिए काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम टॉपिक को देखेंगे तो इसमें टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें टेलीस्कोप को स्पेस में क्यों भेजना है जब हम यहीं बैठे बैठे ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस में देख पा रहे हैं। तो देखो, ये है हमारी अर्थ और इसके चारों तरफ एटमोस्फियर है, तो जो भी लाइट स्पेस से आती है उसे पास करना पड़ता है हमारे एटमोस्फियर से। इनमें से मोस्ट ऑफ द रेस हमारे एटमोस्फियर से पास हो जाती है, इसलिए हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप को या रेडियो टेलीस्कोप को हमारी अर्थ पे रख देते हैं और दूर की इमेज को देख पाते हैं। लेकिन ये जो इमेजेस होती है वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में एक डाउट आता है कि अर्थ का एटमोस्फियर उस लाइट के साथ क्या करता है। तो इन लाइट रेस को दो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि एटमोस्फियर में बहुत सारी गैसेस होती है और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे ही लाइट एंटर करती है तो ये गैसेस और पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है जब वो अर्थ पर पहुंचती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है वेदर कंडीशन। हमारी अर्थ का एटमोस्फियर है जिसमें वेदर चेंज होते रहते हैं, टेम्परेचर चेंज होता रहता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर भी बदलता रहता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज नहीं दिख पाता। अगर वेदर कंडीशन भी ठीक हो तो दिन के समय बहुत ज्यादा मात्रा में सनलाइट होती है, तो इतनी ज्यादा रोशनी में भी हम नहीं देख सकते। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके दो सॉल्यूशन निकाले। इसमें से पहला सॉल्यूशन तो टेम्परेरी है कि हम टेलीस्कोप को यहाँ से माउंटेन्स पर ले जाएं या फिर ऐसी जगह पर ले जाएं जो एकदम नेचुरल और खाली हो, जिससे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम किया जा सके। लेकिन ये सॉल्यूशन टेम्परेरी है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जो सेकंड सॉल्यूशन है वो परमानेंट है। वो सॉल्यूशन है कि हम टेलीस्कोप को स्पेस में भेज दें जहाँ पे ना क्लाउड्स होते हैं, ना एटमोस्फियर होता है, ना वेदर कंडीशंस की प्रॉब्लम होती है और ना ही पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो इससे हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें एक ब्राइट और वेरी क्लियर इमेज मिलेगा। तो इस आइडिया को साइंटिस्ट लोगों ने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और 1990 में नासा ने बना दिया एक टेलीस्कोप जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप। नासा अमेरिका का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टेलीस्कोप है उसके अंदर एक मिरर है जिसकी डायमीटर है 94 इंचेस और ये हमसे यानी कि अर्थ से 589 किलोमीटर दूर है, यानी कि ऑलमोस्ट मुंबई से अहमदाबाद तक की डिस्टेंस। और इस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के बाद नासा ने बहुत सारी डिस्कवरीज की है जो इंसान को नहीं पता थी। उसके बाद 1999 में नासा ने चंद्रा नाम का एक्सरे टेलीस्कोप लॉन्च किया। चंद्रा नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडियन नाम है, तो हाँ, इसका नाम पड़ा इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर, क्योंकि इनके आइडिया से ही नासा ने ये टेलीस्कोप बनाया। अब हम जानते हैं इसरो के बारे में। नासा की तरह इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को हम इसरो बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में है। इसरो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि उस वक्त इस लेवल तक सोच पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसरो इस एम के साथ काम करती है कि हम भी हमारी खुद की सैटेलाइट्स बनाएंगे और पूरे इंडिया को एक नई टेक्नोलॉजी देंगे। आज तक इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाई जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हुई। इसरो ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मजबूत बनाया है। इसरो की दो सैटेलाइट्स हैं, इनसेट और जी सेट, जिसने टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीविजन जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया और कंट्री के कोने कोने तक इस सर्विस को पहुंचाया। इसरो की एजुसेट सैटेलाइट एजुकेशन के लिए यूज की जाती है और इसकी IRS सैटेलाइट नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और डिजास्टर को भी मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं।